अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 36 का आंकड़ा 27 की जंग की। यूपी में होने वाले एमएलसी चुनाव की बात अब कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें निगाहें एमएलसी चुनाव पर ही टिकी हुई हैं। चाहे बात हो भाजपा की या फिर सपा की, आप बात कर लीजिए, सभी ने एमएलसी चुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। और आज शाम को ठीक 4 बजे एमएलसी चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा और 9 अप्रैल को 36 सीटों में से बचे हुए 27 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 12 अप्रैल को चुनाव के नतीजे सभी के सामने होंगे। और आपको हम ये भी बता दें कि 36 में से 9 सीटों पर पहले ही भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अब बची 27 सीटें जिस पर चुनाव होने हैं, और 27 सीटों की जंग किस तरीके से अहम है सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए, वो भी आप समझिए। दोनों ने ही पूरी ताकत लगा दी है, पूरा जोर लगा दिया है। 27 सीटों पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 9 अप्रैल को होनी है वोटिंग और 12 अप्रैल वो तारीख है जब एमएलसी चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। और 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं भाजपा के उम्मीदवार, और अब समाजवादी पार्टी की भी नजर है 27 सीटों पर। और भाजपा पूरी कोशिश ये करेगी कि विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में भी दबदबा कायम हो, और इसलिए अखिलेश के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है विधान परिषद में अधिक से अधिक सीटें वो जीत सके। हालांकि विधानसभा में उतनी कामयाबी नहीं मिली, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद विधान परिषद की जंग दिलचस्प हो चली है। विधान परिषद की मौजूदा स्थिति क्या है वो आपको तफसील से हम समझाते हैं। देखिए, कुल सीटें 100 हैं, भाजपा 35 और अपना दल एस 1 सीट, निषाद पार्टी 1 सीट पर है, समाजवादी पार्टी के पास 17 सीटें हैं और बसपा के पास 4 सीटें हैं। बात आप कांग्रेस की कर लीजिए, 1 सीट है, और इसके अलावा शिक्षक दल 2, निर्दलीय समूह 1 और निर्दलीय के पास 1 और सीट है और खाली 37। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2016 के नतीजे क्या रहे थे वो आपको बताते हैं। सीट 36, सपा 31, 8 पर निर्विरोध और बसपा 2, और इसके साथ देखिए निर्दलीय 2, कांग्रेस के पास 1 सीट है। तो ये 2016 के नतीजे हैं। 2016 में नतीजे क्या रहे थे, किसके पास कितनी सीटें गई थी वो आपको जानकारी हमने दी है। अब देखिए विधान परिषद में कैसे चुने जाते हैं सदस्य, उसके बारे में भी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं तफसील से। चलिए इस पर जानकारी लेते हैं। हमारे साथ शैलेश जुड़े हुए हैं और साथ ही रतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों के पास चलते हैं बारी बारी से। सबसे पहले शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, आज शाम को 4 बजे का वक्त है जब प्रचार थम जाएगा, किस तरीके से तैयारी आपको दिखाई दे रही है दोनों ही दलों की वो जरा बताएं। शैलेश के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है, रतीश का रुख कर लेते हैं। रतीश, वहां पर किस तरीके से तैयारी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, शाम को 4 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा, उसके बाद किस तरीके से आप तमाम पार्टियां आगे बढ़ रही हैं वो जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर पूरे की बात की जाए तो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 3 विधानसभा क्षेत्रों पर 9 अप्रैल को निर्वाचन हो गए, यानी चुनाव होगा। एक बांदा और हमीरपुर जो सीट है उस पर निर्विरोध निर्वाचित हो गया है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। कानपुर फतेहपुर और कानपुर देहात की जो सीट है इसके लिए बड़ी रोचक लड़ाई है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं दिलीप सिंह यादव और कल्लू यादव, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के जो कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष हैं अविनाश चौहान, उनको मैदान में उतारा गया है। कल कन्नौज में अखिलेश यादव ने जिस तरह से आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर, बड़ा हमला, बोला कि बीजेपी लोकतंत्र की सबसे बड़ी सीरियल किलर है और लोकतंत्र की लूट करने वाली पार्टी है, यानी वोट को कैसे लूटा जाता है बीजेपी को ये मालूम है। तो ऐसे में ये संदेश समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा आगे दिख रही है इन चुनाव में। मैंने उनसे सवाल भी किया था कि समाजवादी पार्टी चुनाव में कहां है, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है। लेकिन कानपुर में अगर चुनाव की बात की जाए तो एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 सेंटर्स कानपुर में बनाए गए हैं, 10 ब्लॉक कानपुर में है, इसके अलावा 2 और सेंटर्स हैं। यहां पर चुनाव के लिए मतदान होगा, 8 बजे सुबह से लेकर के 4 बजे तक मतदान होगा। आज प्रचार का आखिरी दिन है, प्रचार को लेकर के तमाम जो दोनों ही दल आपस में काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, और दोनों ही दलों के जो बड़े नेता हैं वो प्रचार में पूरी तरीके से कूदे हुए हैं। तो अविनाश चौहान और दिलीप सिंह यादव के बीच जो टक्कर है उसमें पल्ला जो दिख रहा है वो बीजेपी के प्रत्याशी का ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये कहा भी जाता है और माना भी जाता है कि ये जो चुनाव होते हैं ये सत्ता पक्ष के ज्यादा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर 36 में 35 का रिकॉर्ड 35 का अपना एक दावा ठोक रखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ कर गुजरने के मूड में है, और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि सक्रिय रहें।